हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फोटो फैक्ट न्यूज ऑनलाइन लाइव। 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे के हिसाब से पूरी इंडिया में मनाई जा रही है। इस मौके में मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें एक लेक्चर रखा गया बानुआन मौलाना आजाद दी आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया बाय जौहर सरकार एक्स एमपी IAS रिटायर्ड हैं। साथ ही साथ इस मौके पे जनाब नूरुल इस्लाम फाउंडर जनरल सेक्रेटरी अल अमीन मिशन को मौलाना आजाद अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया दिया गया है। और ये अवार्ड कोलकाता के स्टूडेंट सपोर्ट काउंसिल इदारा को भी दी गई। इस मौके पे मौजूद रहे मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी एजुकेशन सब कमेटी के चेयरमैन खालिद सैफुल्ला साहब और एजुकेशन कमेटी के सब कमेटी के सेक्रेटरी जनाब शमसुद साहिब। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस प्रोग्राम की तस्वीरी झलकियाँ। हिंदुस्तानी या उर्दू में या हिंदी में भी बात करें तो बहुत बेहतर होगी, क्योंकि हम जेंडर तय नहीं कर पाते और इसके वजह से ये जेंडर की जो नोश है ना, ये आप कहानी है जानते। कहानी है जब बंगला भाषा पहली बार सुनाई थी, इट वॉज रिकग्नाइज बाय द फारसी कोर्ट, कोर्ट लैंग्वेज ऑफ बंगाल, कोर्ट लैंग्वेज ने कोर्ट ने अदालत में अदालत के जो कह रहा था 15th सेंचुरी 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी फारसी लैंग्वेज लिखी और खाना पीना ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ फर्क था और वो लोग बदल गए, लेकिन हमने बदला। हम लोग अभी भी खाते हैं, हम लोग मैं जाती हूं तो ये गलती। एनी वे आई स्पीक इन इंग्लिश, अगर आप लोग मुझे माफी करेंगे, क्योंकि मेरी मेरी ये मैं घबराता हूं कि कितने गलती करो एक सेंटेंस में, आप लोग हंसेंगे ना। हाँ, तो इसलिए मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूं, अगर चाहे तो कोई सामोडी कैन डू द ट्रांसलेशन। ये सामोडी कैन इम्प्रूव माई हिंदुस्तानी, तो अगले बार आके मैं हिंदुस्तानी में बात करूंगा, कोशिश करूंगा। कितनी गलती की मैंने, बंगाली की हैसियत तो नेग्लिजिबल, बस वो काफी है, नोबेल प्राइज मिल जाए। अच्छा, टुडे इज मौलाना आजाद इज आई थिंक 133rd बर्थडे एंड इट इज सपोज टू बी द नेशनल एजुकेशन डे, बट इट्स क्वाइट अ ट्रेजिक थिंग दैट देर इज नो वाइड सेलिब्रेशन। ओके, आई एम थैंकफुल टू द मुस्लिम इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस लेक्चर, बट एट द सेम टाइम एज एन हिंदुस्तानी एज एन इंडियन आई फील वेरी बैड that his such a great life is not being celebrated in other places. This only indicates the dark times we are passing. Iske bare mein koi shak mat rakhiye, we are passing through the worst phase in Indian history. Worst phase, one of the worst phases in Indian history, and we have to survive this. Agar isko isse hum aage badh sakte hain, nothing can stop it. So he 28 a few weeks before his death, all he said was काश अगर ये लोग मेरे पास पाते, that means his cabinet colleagues were not siding with him. They wanted quick returns, quick returns, quick returns. Education is like a पौधा, it takes a long time to grow. You cannot have quick returns. We cannot have quick returns. This is not a lottery. But anyway, he was very patient, and which is the reason why Pandit Nehru chose him. So with these words, I pay my salutation to Prasapa to Maulana Azad ji, and wish you all the very best. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Itni zabardast taqreere alhamdulillah hui yahan pe, janab Johar Sardar sahab ne aur janab नूरुल इस्लाम साहब ने जो अपनी बातें रखी और अपने सफर का बयान किया,
और दूसरे हजरात ने, तो मैं तो सिर्फ जज्बाती हो रहा था और मैं देख रहा था कि ये लोग सच्चे रसूलुल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं। मदीनतुल नबी जब बना था, रसूलुल्लाह मदीना में गए थे, तो मस्जिद नबी जो था वो एक यूनिवर्सिटी था और एक मुनज्जम तालीम की शुरुआत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। और मैं समझता हूं कि ये हजरात जिनको अवार्ड दिया गया है, यकीनन ये रसूलुल्लाह के मशरे राह को मशरे राह समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज जो तारीखी है, जो अंधेरा है, जो अफसुर्दगी है, वो आसानी से छट सकता है और वो तभी छटेगा जब हम एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़ेंगे। कुरान करीम कहता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और अल्लाह अपने बंदे पे उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए हमें कदम आगे बढ़ाना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान और न जाने कितने लोग आपके कौम से हैं जो आपको रास्ता दिखाने के लिए काफी हैं। तो मैं यही कहूंगा, बहुत टाइम हो चुका है, ज्यादा वक्त नहीं होगा, बस यही कहूंगा कि हमें इन सबको मशरेरा समझते हुए आगे बढ़ना है और तालीम को अपनी ताकत बनानी है। एक वक्त आएगा जब कामयाबी हमारे कदम से चुनौती। अल्लाह जनाब शेख मोहम्मद नूरुल इस्लाम। दादा का हाथ लगाओ।